हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो हम सीखेंगे एमएसएमई का सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, कैसे एमएसएमई का सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है आज की वीडियो का कि पहले क्या था, बहुत से लोगों ने एमएसएमई के सर्टिफिकेट बना भी रखे लेकिन वो सिर्फ दो ही तरह के बना पाते थे, या तो वो पहले सर्विस प्रोवाइडर का बना पाते थे या अपना मैनुफैक्चरिंग का बना पाते थे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ट्रेडर है जिनके लिए एमएसएमई नहीं था और वो अपना एमएसएमई नहीं बना पाते थे। तो सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि आप जो एमएसएमई के अंदर है ट्रेडर भी कवर किए जाते हैं और ट्रेडर का भी एमएसएमई सर्टिफिकेट बनेगा। और आज मैं बेसिकली ट्रेडर्स का ही एमएसएमई सर्टिफिकेट बना के दिखाऊंगा। प्रोसेस तीनों के लिए सेम है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे मैनुफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो। तो एमएसएमई के सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप सिंपली लिखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करेंगे, सर्च करेंगे, ये देखिए आपके पास साइट आ जाएगी, वेबसाइट। और वेबसाइट में ध्यान रखें आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in इस वाली वेबसाइट पे ही क्लिक करना है। इस पे वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे क्लिक करने के साथ आपके पास होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे इस ऐड को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। एक तो है आपका न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए, मतलब आप अपना बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी पुराने वाले एमएसएमई में रजिस्टर्ड थे जिसको आप उद्यम कर दिया गया, तो आपको सेकेंड ऑप्शन लेना है। अभी हम नया बना रहे तो मैं नया वाला मैंने सेलेक्ट करके प्रोसीड किया। अब क्या करना है, यहाँ पे मेरे को अपना आधार कार्ड नंबर और मेरे को अपना नाम एज पर आधार जो भी है वो फिल कर देना है। यहाँ पे फिर मैं वैलिडेट करूँगा। वैलिडेट करने के बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो मेरे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। मैं वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करूँगा। यहाँ पे मैंने ओटीपी डाला और अपना वैलिडेट कर दिया। इसके बाद कहता है पैन वेरिफिकेशन में, तो पैन वेरिफिकेशन में मेरे को सबसे पहले क्या करना है, अपना टाइप ऑफ एंटिटी सिलेक्ट करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मेरी किस टाइप की है, प्रोप्राइटर है जो भी आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में प्रोप्राइटर है तो मैंने प्रोप्राइटर सिलेक्ट किया है और अपना पैन वैलिडेट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने अपना पैन को वैलिडेट कर दिया सिंपली। ये मेरा पैन कार्ड वैलिडेटेड हो गया। इसके बाद मुझसे पूछा हैव यू फाइल्ड द ITR, मतलब क्या आपने अपनी ITR फाइल की है 19-20 में, प्रीवियस ईयर 19-20 में। अगर आपने कर रखी है तो येस कीजिए, मेरे केस में नहीं है, मैं यहाँ पे नो करके चलूँगा। इसके बाद आपसे पूछता है डू यू हैव GST नंबर, तो अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यहाँ पे येस कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो नो करके आगे बढ़िए। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होता है, तो मैं जल्दी से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल कर दिया। इसके बाद आ गया मेरा कैटेगरी, कि आपकी कैटेगरी क्या है वो पूछ रहा है मुझसे, तो आपकी जो भी कैटेगरी हो वो सिलेक्ट कर लेना। मेरे केस में जनरल है, वो सिलेक्ट किया। इसके बाद जेंडर, ये सारी बेसिक डिटेल है, आप एक एक करके जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ एंटरप्राइज। नेम ऑफ एंटरप्राइज में हमेशा आपको क्या करना है, अपनी यूनिट, आपको हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी बोल लीजिए, मतलब जिस भी नाम से आप काम कर रहे हो वो नाम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना पृथ्वी एसोसिएट कर दिया और जो मेरी प्लांट यूनिट का नाम है वो भी पृथ्वी एसोसिएट है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपके केस में हो सकता है डिफरेंट हो, तो आप सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे मेरे से पूछता है अपनी यूनिट सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक से ज़्यादा यूनिट्स भी ऐड कर सकते, होता है ना, हमारे एक पैन पे दो या तीन तरह के बिजनेस चल रहे होते हैं तो हम दोनों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरे केस में एक ही है, मैंने इसलिए एक सिलेक्ट किया। हो सकता है आपके केसेस में दो हो तो आप दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने अपना यूनिट सिलेक्ट किया दोबारा से। अब यहाँ पे मेरे को अपना क्या करना है, पूरा एड्रेस फिलअप करना है, तो आप भी क्या करना है, जल्दी जल्दी अपना एड्रेस फिलअप कर देना पूरा। मैं अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ। याद रहे एड्रेस में आपको एक भी टैब ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आप एक भी टैब ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो आपको रेड एरर दे देगा। तो आप अपना एड्रेस इस हिसाब से भरिए ताकि आपका, आपके सारे टैब जो है फिल हो जाए, सारे ब्लैंक कोई सा भी ना रहे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से अपना मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लूँगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, देखिए ब्लू कलर का बटन दिख रहा है आपको, यहाँ से क्या करना है, ऐड प्लांट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ऐड कर दिया। अब इसके बाद हो सकता है हमारा जो ऑफिशियल एड्रेस हो, कई बार होता है आपकी मैनुफैक्चरिंग अलग है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अलग है, तो दोनों के डिफरेंट एड्रेस होते हैं। अगर आपका एड्रेस अलग है तो आप अपना अलग एड्रेस डालिए, अदरवाइज यहाँ पे सेम एड्रेस जो ऊपर आपने डाला है वही एड्रेस डाल के कंटिन्यू कीजिए। ये मैंने अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर लिया। अब एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए जो 14 नंबर टैब है, यहाँ पे पूछा है कि आपके पास कोई पुराना उद्यम नंबर है, तो अगर आपके पास है पुराना जो पहले एमएसएमई सर्टिफिकेट होता था, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यस करके वो डालिए, अदरवाइज इसको एनए रहने दीजिए। इसके बाद आपसे पूछता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको वो डेट डालनी होती है जिस डेट पे आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किया था। लाइक मान लीजिए आपने अपना GST में रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आप GST सर्टिफिकेट पे देखिए कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है,
वो देख के आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट डाल दीजिए। सेकंड टैब जो है हमारा डेट का, यहाँ पे आ जाता है हमारा, हमसे ये पूछा जाता है कि आपने इस तारीख पे तो रजिस्ट्रेशन किया, दो मान लीजिए 20/9/2017 पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया, आपने अपना प्रोडक्शन कब से स्टार्ट किया या बिजनेस स्टार्ट कब से किया वो डेट डालिए। अगर आपकी अलग है तो आप अलग डालिए, अदरवाइज सेम डेट डाल दीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके उस पर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेम डेट डाल रहा हूँ, ठीक है। मे बी हो सकता है आपके केस में अलग डेट हो तो आप अलग डेट डाल देना। इसके बाद आपसे इस वाले टैब में जो है आपको अपने बैंकिंग डिटेल देनी होती है, आपके करंट अकाउंट की बैंक डिटेल। तो मैं जल्दी से अपने बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे इसमें शायद लगता है IFSC कोड मैंने कुछ गलत डाल दिया, 10 कम डाला है, तो यहाँ पे मैंने सही कर दिया। अब इसके बाद मैं अपना अकाउंट नंबर डाल दिया। देन इसके बाद ये देखिए सबसे मेन जो पार्ट है आपका 17 नंबर है, 17 नंबर, इसमें आपको स्पेसिफाई करना होता है, इसमें आपको क्लियर करना होता है कि आपका बेसिकली बिजनेस क्या है, आप किन गुड्स में डील करते हैं या किस सर्विसेज में डील करते हैं, वो चीज़ आपको अपने NIC कोड के थ्रू, अपने NIC कोड को सर्च करके क्लियर करना होता है यहाँ पे। और इसी में क्लियर करना होता है कि आप मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर है। ये देखिए आ रहा है ना, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर एंड ट्रेडर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड ट्रेडिंग, तो यहीं पे आपका क्लियर होता है कि आप एक्चुअल में है क्या। पहले ये जो हमारा ट्रेडिंग वाला ऑप्शन आ रहा है पहले नहीं आता था, लेकिन अब इन लोगों ने ट्रेडर्स को भी MSME में ऐड कर दिया है, तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आने लगा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैन्युफैक्चरर है तब तो आपको 17 नंबर में मैन्युफैक्चरिंग ही सिलेक्ट करना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर है तो आपको क्या करना है, 17 नंबर में सर्विसेज पे ही क्लिक करना है, क्योंकि एक तरह से जो ट्रेडर होते हैं मेजर एक्टिविटी जो होती है उनके बिजनेस की वो भी सर्विसेज के अंदर ही कवर होती है। तो आपको क्या करना है, सर्विस पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस का है उस 17.1 वाला जो कॉलम है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर आप नॉन ट्रेडिंग करते हैं तो मतलब इसका मतलब आ गया आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, और अगर आप ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब हो गया आप एक ट्रेडर है। तो यहाँ पे मेरे केस में अभी ट्रेडिंग का लाइसेंस बना रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी ट्रेडर का सिलेक्ट करूँगा। ट्रेडर का सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन पार्ट होता है, आपको यहाँ पे अपने NIC कोड सर्च करने होते हैं। NIC कोड में ध्यान रख के बिल्कुल एग्जैक्ट अपने प्रोडक्ट का, जो भी आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हैं उसका NIC कोड सर्च करना होता है। और उसको सर्च करने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो सर्च बार दिख रहा है आपको यहाँ पे, सिंपली आपको क्या करना है, अपना जो भी आप जिन भी प्रोडक्ट में डील करते हैं उन प्रोडक्ट का नाम टाइप कीजिए। ड्रॉप डाउन में काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाएगी, सबके आगे लिखा होगा मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर, होलसेलर, होलसेलर, तो देख लेना। जिनके आगे मैन्युफैक्चरर लिखा है वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग का NIC कोड है, जिसके आगे ट्रेडर या होलसेलर या रिटेलर लिखा है वो ट्रेडिंग का पार्ट है। तो इस हिसाब से आप अपने NIC कोड को एक एक करके सिलेक्ट करना है। मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग्स का, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, तो अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये देखिए मैंने बिल्डिंग डाला, बिल्डिंग डालते ही बहुत सारे NIC कोड आ गए। अब इसमें से मेरे को चेक करना है कि इसमें से ट्रेडर का बिल्डिंग मटेरियल का कोड कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए अभी सारे मैन्युफैक्चरिंग ही शो कर रहे हैं मुझे, लेकिन मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे दोबारा से दूसरा, अब मेरे को बिल्डिंग मटेरियल के कीवर्ड से नहीं मिला मेरा NIC कोड, तो मैं क्या करूँगा, बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स भी आती है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली ब्रिक्स को सर्च किया। ब्रिक्स सर्च करते ये देखिए आ गया मेरे पास रिटेल सेल, NIC कोड मेरा दिख गया मुझे, रिटेल सेल ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, और इसमें मेरा सारा बिल्डिंग मटेरियल का काम कवर हो जाएगा। तो मैं इस NIC कोड को सिलेक्ट कर लूँगा। तो सबसे मेन जो होता है ना MSME सर्टिफिकेट में, आपको अपना NIC कोड सिलेक्ट करना ही मेन होता है, कि आप अपना NIC कोड जो है वो ध्यान से सिलेक्ट करें। देखिए मैंने अपना NIC कोड सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग पे मेरा क्लिक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ऐड एक्टिविटी कर दूँगा। इसी तरह से एक एक करके मैंने सारी एक्टिविटी ऐड कर ली। ये मेरी तीनों अपने आप नहीं आई है, मैंने जैसे पहले आपको कर को पहला एक करके दिखाया था, उसी तरह से आपको तीनों एक एक करके सिलेक्ट करनी है। आप या आपकी जितनी भी सर्विसेज है आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है आप कुछ प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करते हो, कुछ की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग दोनों चीज़ें। तो इस तरह से आप अपने NIC कोड सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी वर्क एक्टिविटी है, जिन भी गुड्स या प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं, जिन भी आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं वो आप एक एक करके सिलेक्ट कर लेना। लास्ट में पूछा जाता है आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ की डिटेल देनी होती है डिटेल्स में, कि मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं एंड अदर्स कितने हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल फिल कर दूंगा,
जैसे मेरे पास मेल 6 है एंड फीमेल 2 है एंड अदर 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 डाल दूंगा अदर में, और यहाँ पे मेरे टोटल हो गए 8 एम्प्लॉय, ये डाल दिया मैंने। अब इसके बाद ये देखिए, आपको यहाँ पे भी सबको कन्फ्यूज़न रहती है कि यहाँ पे क्या है डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले कॉलम में तो आपको डालना है आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या आपका गोडाउन है या स्टॉक है। तो आपके बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपके बिजनेस में जो अभी तक है इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हुई है, आप वो इन्वेस्टमेंट डाल देंगे यहाँ पे। तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस में, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इन सबको जोड़ के जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही होगी आप वो डाल देना। यहाँ पे आपका एक्सक्लूजन कॉस्ट जो है वो कितना है आप वो डाल देना। अगर आपको नहीं पता आप अपने सीए से पूछिए, वो आपकी बैलेंस शीट देख के आपको बता देगा कितना है आपका। आप राउंड ऑफ कुछ भी छोटा अमाउंट यहाँ पे ऐड कर दीजिए, इससे कोई आपके एमएसएमई पे इफेक्ट नहीं पड़ता। पहले कोशिश कीजिए अपने सीए से क्लियर कीजिए, अगर आपका सीए भी नहीं बता पाता तो यहाँ पे आप 30-40 हज़ार या 20 हज़ार आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। वो क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आपने डाली उसमें से वो अमाउंट लेस हो जाएगा, और तब जाके आपकी नेट इन्वेस्टमेंट निकलेगी कि आपके प्लांट एंड मशीनरी की नेट इन्वेस्टमेंट इतनी है। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपकी टोटल टर्नओवर कितनी है। तो आपकी टर्नओवर 19-20 में लास्ट आईटीआर में कितनी थी, अगर आपके पास बैलेंस शीट है तो आप यहाँ पे अपनी टर्नओवर डालिए, अदरवाइज नहीं है तो मत डालिए। और देन इसके बाद देखिए, ये 22 नंबर 23 नंबर ये दोनों चीज़ पूछता है आपसे कि आर यू इंटरेस्टेड टू गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस। तो अगर आप गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पर रजिस्टर्ड है तो यस कर दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है और रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। यस करने के बाद क्या होता है, आपका ऑटोमेटिकली जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और उसके बाद सेम जो आपका उद्यम नंबर होता है उसी से आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है। तो आप यहाँ से उसको यस नो भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस कम्प्लीटली है क्या ये आपको जानना है तो इसके लिए आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप पूरी गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस को समझ सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद ट्रेड्स पोर्टल के लिए आपसे पूछा है कि आप ट्रेड पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। अगर होना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं होना चाहते तो नो कर दीजिए। इसके बाद अब हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है, पूरा फिलअप कर दिया हमने। अब हमारे ये फाइनल सबमिट का बटन है, तो हम सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद ओके ओके करते के साथ हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया होगा, हमें क्या करना है वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देता हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा ओटीपी गलत हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर करता हूँ, ओटीपी, इसके बाद जो भी मेरे को कैप्चा दिख रहा है ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, और फाइनल सबमिट। देखिए फाइनल सबमिट करते के साथ भी आपसे पॉपअप देता है कि आप श्योर है कि आपने जो डाटा दिया है सारी चीज़ें करेक्ट है। अगर आपको चेक करना है तो एक बार चेक कर लीजिए सारा डाटा, अगर आपको लगता है सारी चीज़ें आपकी ओके है तो ओके कर दीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा एक बार आप डाटा को फिलअप करने के बाद ढंग से चेक कर ले, उसके बाद फाइनल सबमिट करें, और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके जैसे ही आप करेंगे आपके पास एक आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, ये जो उद्यम KR करके दिख रहा है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप इस पर जैसे ही करेंगे आपके पास एक एक्नोलॉजमेंट स्लिप आ जाएगी, ये हमारी अप्लाई फॉर की स्लिप हो जाती है। ये आपको सेव करके रखना है जब तक आपका MSME का सर्टिफिकेट नहीं आता। जब आपका MSME का सर्टिफिकेट आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अपना MSME का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। MSME का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड किया जाता है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना MSME का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना। सर्टिफिकेट आने में आपका 5 से 7 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस कैसे आपको अपना MSME का सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, कैसे सर्टिफिकेट बनाना है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी यूनिक टॉपिक के साथ।